हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल ओके आज जो है अभी मैं जा रही हूँ फर्नीचर खरीदना है मैं ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदना था सो आई थाट इट वुड बी ए नाइस आइडिया टू व्लॉग और ये जो मार्केट है ये मेरे घर के भी पास है एंड प्लस इट इज़ अ वेरी बिग मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और वहाँ पर आपको कम्प्रेस वुड से लेकर के प्लांटर्स मार्बल का सामान एंड इन फैक्ट टीक वुड तक का सामान मिल जाता है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिस पे है मेरे घर में आधा फर्नीचर एक्चुअली इसी मार्केट का है सो आई थाट लास्ट टाइम जब मैं अपना फ़र्नीचर एक्चुअली लेकर भी आई थी तब भी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप कहाँ से लेकर आए हो क्या मतलब जगह है सो आई विल शेयर इट विद यू गाइज वैसे ये जो जगह का नाम है ये शाबेरी गाँव पड़ता है इट इज़ नियर क्रॉसिंग रिपब्लिक नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन में लगता है नियर गौर सिटी मॉल सो मैं एग्जैक्ट लोकेशन कहा गूगल मैप लिंक प्रॉबेबली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी क्योंकि आई थिंक उस, उसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकती बट आई यूजअली लाइक दिस प्लेस एंड छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के मतलब आपको घर के लिए कुछ भी चाहिए फर्नीचर छोटा फर्नीचर बड़ा फर्नीचर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सो लेट्स गो

बॉडी को भी क्रेविंग होती है मॉइस्चराइजेशन की एंड दिस विल जस्ट एड ऑन ऑल द मॉइस्चर टू योर स्किन आपकी स्किन को रेडियंट और ग्लोई बना देगा आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन इट्स नॉट ओवर पावरिंग हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आपके पास से आती रहेगी फुल डे विच आई रियली लाइक एंड मेरे को उसको इस्तेमाल करना ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है आजकल इसमें है वाइटमिन सी और हनी की गुडनेस एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में ही गुडनेस नहीं है दे हैव गुडनेस इन दर वैल्यूज एज वेल ऑल्सो मामा अर्थ इज़ सर्टिफाइड बाई पीटा एज क्रोल्टी फ्री सो दे डू नॉट टेस्ट ऑन एनिमल्स विच इज़ अनदर अमेजिंग थिंग एंड दे आर वन हंड्रेड परसेंट मेड इन इंडिया सो हैश टैग वोकल फॉर लोकल एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है दिस इज सिलिकोन फ्री डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इट ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप इट्स नॉट ग्रीसी आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं करेगा बट एट द सेम टाइम हाइड्रेट कर देता है एंड इसको अप्लाई करने के बाद ना यू डोंट गेट द ड्राइनेस सो आई रियली लाइक इट एंड इंग्रीडियंट्स की लिस्ट वगैरह जो है वो आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो हर प्रोडक्ट की इंग्रीडियंट की लिस्ट मामा अर्थ अपनी वेबसाइट पर डिटेल में मैंशन करते हैं तो मेक श्योर टू चेक दम आउट अगर आप देखना चाहो कि भाई इंग्रीडियंट्स क्या क्या है दिस रिडियल फॉर जस्ट थ्री

Section, what is your craving? And अच्छा सा creative सा answer देना. फ्रॉम मामा अर्थ कुछ नहीं करना रूल्स आर वेरी सिंपल जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल और एक बढ़िया सा आंसर दो टू द क्वेश्चन वॉट इज योर क्रेविंग एंड फॉर दिस या so, yeah, अब मूव ऑन करते हैं वीडियो के साथ ओके गाइस सो अब हम पहुंच गए हैं जायद हुसैन एंड सन्स फर्नीचर मार्केट ये पड़ता है शाबेरी गांव और ये है क्रॉसिंग रिपब्लिक से जस्ट पहले अगर आप नोएडा में रहते हो आप जानोगे सो so, जो पहली शॉप जैसे आप घुसोगे ना मुझे ये वाली दिखी इसमें ना बहुत सारे ये ब्रास के आइटम्स थे मिरर्स थे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो लेफ्ट एंड साइड पर आपको सर्कुलर वाले दिख रहे हैं ये टू के थे ये जो सेंटर में फिग्रींस लगी हुई हैं ये टू से लेकर सेवन तक की थी एंड सारी की सारी रेंज पे टन percent of beta देन मुझे ये बुक शेल्फ बहुत पसंद आ रही थी बट uh, थोड़ी सी प्राइसी थी बट इसकी क्वालिटी अमेजॉन वाली नहीं है दिस वॉज प्योर वुड अमेज़ॉन पर आपको कंप्रेस्ड वुड मिलता है ये आई थिंक अंकल ने मुझे थर्टी फाइव हंड्रेड की बताई थी तो मैंने ली नहीं या फोर थाउज़ेंड की बताई थी बट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थी ट्रस्ट भी गाइज मेरे पास अमेज़ॉन वाला भी है सो आई नो दिस वॉज वेरी गुड क्वालिटी ये आपको लॉग वाले टेबल्स भी मिल रहे थे कॉफ़ी टेबल्स वो भी बहुत अच्छे थे एंड देवर आई थिंक फॉर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आपको इतने सारे वराइटी ऑफ ट्टज एंड पॉट्स और प्लांट्स सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर एंड ये सिर्फ़ एक शॉप है ऐसी कम से कम चार से पाँच शॉप्स वहाँ पर है ना क्योंकि मैं ऑफिस फर्नीचर लेने गई थी हमें डिस्प्ले के लिए चीज़ें चाहिए थी लाइक डिस्प्ले रैक्स वगैरह चाहिए थी तो so, मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी इनफैक्ट ये वाली जो रैक थी ये मुझे अपने पर्सनल uh, यूज़ के लिए भी समझ में आ रही थी सो इट हैड 15 कंपार्टमेंट्स और इसकी जो डेप्थ थी वो थी 12 फीट की और ये वो हमें बोल रहा था 3000 की मिल जाएगी एंड दिस वन जो इस तरफ में आपने देखा ना बड़े कंपार्टमेंट्स वाली इसमें एटीन फिट की डेप्थ थी वो उसके लिए हमें फाइनली अग्री हो गया था फोर्टी जिसमें वो दो कंपार्टमेंट्स में हमको पल्ले भी मतलब डोर्स भी लगा के दे रहा था सो so, ऑफ़िस के हिसाब से भी ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी फॉर माई होम मैं सोच थी इस पर वाइट सन मायका लगवा लूंगी और वो कस्टमाइज भी कर देते हैं येस yes, अगर आप चाहो तो आपके हिसाब से चीजें कस्टमाइज भी हो जाएंगी और एक्स्ट्रा मनी नहीं लगता जितना आपको उन्होंने बताया उतने ही पैसे लगते हैं नाउ डू यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर बुक शेल्फ वो अमेजॉन uh, पर आपको मिल जाएगी एंड अर्बन लैडर लैडरपेट्स मोर देन टेन थाउजेंड रुपीज एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी ये प्योर लकड़ी है दिस इज नॉट कम्प्रेस्ड वुड ये वाली भी मुझे यू नो शो केस अच्छा लग रहा था सो दिस वॉज ऑल्सो रियली नाइस ओवरऑल ये वाला जो अब आप जब मार्केट में जाओगे तो मार्केट के एक साइड में पूरा लकड़ी का, का काम होता है और so, एक साइड में पूरा कंप्रेस्ड वुड का काम होता है सो आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी वहाँ पे मिल जाएगी बेड्स आपको मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ यू नो फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और सब कुछ आप बार्गेन कर सकते हो सबसे अच्छी बात है कि अगर उन्होंने आपको एटीन थाउजेंड बोला ना तो आप आराम से उसको फोर्टीन थाउजेंड पर ला सकते हो बहुत अच्छे अच्छे डाइनिंग टेबल्स थी प्योर वुड में शीशम की लकड़ी या फिर आम की लकड़ी के आपको अच्छा खासा सामान मिल जाएगा और ये वाली बुक शेल्फ ऑलमोस्ट हर शॉप पर थी इस वाली पर्टिकुलर शॉप पर ना बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज शू रैक्स वगैरह भी थी एंड देवर ऑल वेरी नाइस सेवन थाउजेंड फाइव थाउजेंड इस रेंज में था एंड लकड़ी की थी बेस्ट थिंग इज़ दैट कि वो कम्प्रेस वोड नहीं थी हमको ये डाइनिंग टेबल अच्छी लग रही थी बट हाँ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसलिए नहीं ली नेक्स्ट तो हमने जब तक देखते रहे देखते रहे तब तक अंधेरा भी हो गया सो so, आपको ना सब कुछ मिल जाएगा चाहे लकड़ी हो चाहे प्लास्टिक का फर्नीचर हो फर्नीचर नहीं प्लास्टिक का आइटम्स हो एंड बुक शेल्फ स्टडी टेबल बेड्स यू कैन गेट लिटरली एवरीथिंग दिस पर्टिकुलर टेबल जो ब्लू वाली हम देख रहे थे इट वॉज़ अ फोल्डेबल टेबल वो भी लकड़ी की थी एंड इस वाली शॉप पर ना मुझे एक बुक शेल्फ बहुत अच्छी लगी थी बट उसका प्राइस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोट किया था एंड क्योंकि हमें लेना नहीं था इसलिए हमने यू you नो know, ज़्यादा बारगेन नहीं किया दे या यू कैन गेट साइड टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम या इट इज़ दैट चीप दिस इज द स्टडी टेबल जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आपको स्टोर राइट हैंड साइड पर स्टोरेज था टॉप पे स्टोरेज था एंड ओवरऑल इट वॉज गुड बट ये कंप्रेस्ड वुड का था एंड सेवन थाउजेंड रुपीज आई थॉट वॉज अ बिट प्राइस ही बट शायद बार्गेन करते तो फाइव थाउजेंड तक आ जाते वो बट हमें लेना नहीं था तो इसलिए आई डेंट बागेन मच सेम टाइप के आपको ये पीछे एक और मिल जाएगी जो अंकित खड़ा है ना अंकित के जस्ट बगल में ये इसमें कांच लगा हुआ था एंड इट वॉज सिमिलर बट इसमें टेबल के नीचे दो स्लाइडर्स भी दिए हुए थे सो so, आपको दो स्लाइडर मिलते हैं एक पे आप अपना काम कर सकते हो एक पे आप अपना यू you नो know, कीबोर्ड रख सकते हो ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी फॉर सेवन थाउजेंड रुपीज़ बट हाँ फिर भी सेवन थाउजेंड आई थॉट वॉज अ स्लाइटली प्राइस ही फाइव थाउजेंड तक की होती तो इट वुड हैव बिन वर्थ इट बिकॉज दिस वॉज कम्प्रेस्ड वुड दैन आपको इस तरीके की क्रॉकरी यूनिट्स भी वहाँ मिल जाएंगी डिस्प्ले uh, यूनिट्स कह सकते हो आप है ना शॉप्स वगैरह में भी रख सकते हो घर के लिए भी ठीक है Uh, आपको बहुत सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स टी वी यूनिट्स शू रैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिटवीज थर्टी फाइव हंड्रेड गाइज यस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आपको फाइव थाउजेंड से लेकर सेवन थाउजेंड तक की मिल जाएगी एंड इनफैक्ट आप कस्टमाइज करा सकते हो दिस पर्टिकुलर बेड जिसमें साइड टेबल्स भी थी लो फ्लोर बेड था दिस वॉज फॉर एटीन थाउजेंड रुपीज़ अलॉग विद साइड टेबल्स एंड दिस वन वॉज फॉर फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ ये उन्होंने कोट किया था आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो आप तीन से चार हज़ार आराम से कम करवा सकते हो यहाँ पर हर किसी चीज़ पर लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ये बेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनफैक्ट आपको यहाँ पे सोफ़े मिल जाएंगे एल शेप सोफ़े लकड़ी के सोफ़े जैसा चाहे वैसा एंड अपना ऑर्डर देके भी आप बनवा सकते हो मुझे आ, ये ब्लू वाला सोफ़ा अच्छा लगता है हा, हाँ अंकित के ऑफिस में लाइक हमारे ऑफ़िस में येलो कलर का है इसी में का अगर आपने देखा हो मेरे ब्लॉग्स में जो साइमा वाला ब्लॉग था उसमें मैंने दिखाया था सो इट इज़ अ रियली नाइस बिग सोफ़ा सेट एंड वही एटीन थाउजेंड थाउजेंड से स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू कैन गो अप टू थर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड तक का आपको मिल जाएगा ये वाला कलर मुझे स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा लग रहा था बड़ा ही ब्लू यू you नो know, बहुत शांति वाला ब्लू था लाइक यू कैन लिटरली गेट एनी थिंग फॉर योर होम अगर आप इस मार्केट में आते हो

क्वालिटी ऑफिस फर्नीचर एंड जो वो टेबल थीट वॉज सिक्स थाउजेंड पार्टीशन वाले जो थे थर्टी फाइव हंड्रेड की इच यूनिट थी एंड दिस वॉज ऑल्सो आई थिंक थर्टी फाइव हंड्रेड का ईच यूनिट इट वॉज रियली नाइस एंड आई लाइक दिस पर्टिकुलर प्लेस सो दट ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यूगा इज एंजॉइटेड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड आइल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम